हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन ऑन जेनेटिक कोड, दैट इज इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन ऑन जेनेटिक कोड. व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज सडन चेंज, दैट इज सडन चेंज इन द डीएनए. इज कॉल्ड म्यूटेशन. उसको आप क्या कहते हो? म्यूटेशन कहते हो. ओके, नाउ म्यूटेशन कैसे होता है, ये चेंज कैसे होता है? म्यूटेशन इंसर्शन, डिलीशन एंड रीअरेंजमेंट, इनसे म्यूटेशन हो सकता है. म्यूटेशन से होता क्या है कि म्यूटेशन जब होता है तो उससे फिनोटाइप यानी करेक्टर भी चेंज हो जाता है. अब देखो एक एग्जांपल, पॉइंट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? एक एग्जांपल है, डिजीज का नाम है, जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया. और इस सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाता है कि ग्लूटामिक एसिड है, ये चेंज हो जाता है वैलिन में. ओके, इन जीन कोडिंग फॉर द बीटा ग्लोबिन चेन्स. जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है, ग्लूकोजीन आ जाता है. एंड सच म्यूटेशन आर कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन. इट इज पॉइंट म्यूटेशन. लुक दिस फिगर. दिस इज द वाइल्ड टाइप हीमोग्लोबिन डीएनए. द सीक्वेंस अब इट एंड इट इज़ टेम्पलेट डीएनए है ये. ओके, वाइल्ड टाइप हीमोग्लोबिन इन डीएनए सीक्वेंस इज C, C, T, and T. ओके, एंड म्यूटेशन, आफ्टर द म्यूटेशन इज टी इज रिप्लेस्ड बाई ए. ओके, आफ्टर म्यूटेशन टी इज रिप्लेस्ड बाई ए. सपोज अब लुक हियर, नाउ इट इज अ टेम्पलेट डीएनए. नाउ राइट द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. इफ यू राइट द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए तो यहाँ पे जी होगा, यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, और यहाँ पे क्या होगा? ए. ओके, एंड इन दिस सी कॉम्प्लीमेंट्री जी, या टी एंड या ए. लुक द म्यूटेशन. इन द म्यूटेशन दिस ए इधर गया और टी इधर आ गया. ओके, एंड ए इज टी इज प्रेजेंट इन द वाइल्ड टाइप वाइल ए इज प्रेजेंट इन द म्यूटेंट. और इस म्यूटेशन का रिजल्ट क्या हुआ? इससे जो एमआरएनए बन रहा है, देखो वाइल्ड टाइप से जो एमआरएनए बन रहा है उसकी सीक्वेंस क्या है? जी ए ए. ओके, ये सीक्वेंस है. और जी ए ए कोड करता है किसको? ग्लूटामिक एसिड. तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बन जाता है. ओके, और इस टेम्पलेट से जो एमआरएनए बनेगा उस एमआरएनए में सीक्वेंस क्या होगी? जी यू ए, ये कोडान होगा. और इस कोडान की वजह से बीटा चेन में ग्लूटामिक एसिड की वजह से उसकी जगह क्या बन जाएगा? वैलिन. ओके, दैट इज वैलिन. इन दिस केस वैलिन इज फॉर्म इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड. ओके, दैट इज इन म्यूटेंट एंड इट कॉज द सिकल सेल एनीमिया. इट इज स्मॉलेस्ट म्यूटेशन ऑफ द वर्ल्ड. नाउ इंसर्शन और डिलीशन ऑफ सिंगल बेस डिस्टर्ब द एंटायर रीडिंग फ्रेम ऑफ एमआरएनए एंड सच म्यूटेशन आर कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. सच म्यूटेशन इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन.
इंसर्शन और डिलीशन ऑफ सिंगल बेस, अगर सिंगल बेस का इंसर्शन डिलीशन हो, लुक दिस एग्जांपल, ओके, लुक दिस एग्जांपल, दिस एग्जांपल्स, ओके, इंसर्शन और डिलीशन, दिस इज द ओनली वन बेस पेयर, इंसर्ट वन बेस पेयर इन दिस फिगर, लुक दिस फिगर, ओके, इंसर्ट ओनली वन बेस पेयर, देखिए सिक्वेंस क्या है, ए यू जी है ना, ओके, वाइल्ड टाइप में देखो ए यू जी, ए यू जी, ए ए जी, यू यू यू, जी जी यू, यू ए ए, ओके, और इसमें ए यू जी के बाद में यू इंसर्ट हो गया। अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे रीडिंग फ्रेम क्या था, रीडिंग का मेथियोनिन, लाइसिन, फिनाइलएलेनिन, ग्लाइसिन और फिर स्टॉप कोडॉन था। अब ये जो यू इंसर्ट आ गया तो यू ए ए आ गया, तो ये क्या हो गया, स्टॉप कोडॉन हो गया ना, ये देन रीडिंग फ्रेम बिल्कुल चेंज हो गया, ओके, इट इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ओके। एंड सेकेंड वन इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, दिस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होल्ड द प्रूफ द फैक्ट दैट कोडॉन्स इन ट्रिपलेट, बिकॉज इफ वी इंसर्ट थ्री मल्टीपल आर थ्री बेसिस फॉलोड बाई डिलीशन ऑफ सेम नंबर ऑफ बेसिस, देन रीडिंग फ्रेम विल रिमेन अनअल्टर्ड फ्रॉम पॉइंट ऑनवर्ड। मतलब अगर तीन को इंसर्ट करते हो, अगर तीन को इंसर्ट करते हो तो रीडिंग फ्रेम क्या हो जाता है, रिमेन अनअल्टर्ड ऑनवर्ड। अब देखिए इस इसको देखो, देखो यहाँ से देखिए इस फिगर में, लुक दिस फिगर, यहाँ पे देखिए क्या था, ये वाइल्ड टाइप था आपका, ये वाइल्ड टाइप है ना। अब इसमें देखिए ए यू जी के बाद में पूरा तीन का तीन इसमें इंसर्ट कर दिया गया है, ए ए जी, ओके ओके, दिस इज द डिलीशन, डिलीशन ऑफ द ए ए जी, यहाँ पे डिलीशन हो रहा है, देखिए डिलीशन हो रहा है। तो अब डिलीशन हो रहा है तो क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे सीक्वेंस थी, ऊपर सीक्वेंस क्या थी, मेथियोनिन, लाइसिन, फिनाइलएलेनिन, ग्लाइसिन, ये सीक्वेंस थी ना वाइल्ड टाइप में। अब यहाँ पे सीक्वेंस क्या हो गई, यहाँ पे गायब हो गया, कौन गायब हो गया, ये ए यू ए ए जी का जो कोड करता था लाइसिन, ये देखो लाइसिन मिस हो गया है, दैट इज ये अगर तीन का तीन पूरा इंसर्ट करते हो तो एक अमीनो एसिड, या अगर डिलीट किया तो अमीनो एसिड डिलीट होगा, इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे रीडिंग फ्रेम रिमेन अनअल्टर्ड, आगे का रीडिंग फ्रेम नहीं चेंज होगा, रीडिंग फ्रेम रिमेन अनअल्टर्ड फ्रॉम पॉइंट ऑनवर्ड, ओके। नाउ लुक दिस फिगर, अनदर फिगर, इसमें क्या है बेटा, ये देखो वाइल्ड टाइप है। अब वाइल्ड टाइप में क्या है कि अगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक ये इंसर्ट हुआ, यहाँ पे देखो है ये सीक्वेंस, मेथियोनिन लाइसिन एक इंसर्ट किया, ये देखो, तो इंसर्ट में क्या लिखा, इंसर्ट नहीं किया, यू की जगह यू था, नहीं सी था, यहाँ पे ये सी था और इस सी की जगह क्या आ गया, यू आ गया, ओके, देख रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ जो कोडॉन था ये जी 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 सी, और यहाँ भी कोडॉन क्या है, जी जी सी, तो दोनों के दोनों ही कोडान एक ही सेम एमिनो एसिड को कोड करते हैं, ग्लाइसिन, डीजेनरेसी, वन एमिनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडान, ओके। तो यहाँ पे देखो कोई इफेक्ट ऐसा, ये म्यूटेशन हो रहा है कि जिसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ओके, दैट इज साइलेंट म्यूटेशन। अब दूसरा देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें इसमें देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जी, यहाँ पे जी था ये, ओके,
यू के बाद जी, दिस वन जी, ओके दिस वन जी, ये इस जी की जगह ए आ गया है। देखिए अगर इस जी की जगह ए आ जाए तो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखिए कोडान ए यू जी आ गया, ए ए जी यू, और ए जी यू किसको कोट करता है, ए जी यू कोट करता है सेरिन को, तो ये पूरा एमिनो एसिड ही बदल गया ना, देख रहे हैं, एक यहाँ पे क्या हो गया एमिनो एसिड ही मिससेंस, इट इज कॉल्ड मिससेंस। एंड अदर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट म्यूटेशन दैट इज नॉन सेंस म्यूटेशन भी हो जाते हैं कभी कभी, देखो ए ये क्या था कि बिल्कुल स्टॉप कोडान बन गया है ना, देखो ए की जगह क्या आ गया, ए की जगह यू आ गया, तो यू ए जी कोडान बन गया और ये कौन सा है स्टॉप कोडान है, देख रहे हैं, ये भी हो सकता है कि ये नॉन सेंस कोडान, नॉन सेंस म्यूटेशन, दीज आर कॉल्ड नॉन सेंस म्यूटेशन, दीज आर द सम एग्जाम्पल, ओके दिस इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ओके और इंसर्शन और डिलीशन ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड, नो फ्रेम शिफ्ट बट एक्स्ट्रा मिसिंग एमिनो एसिड्स, बट एक्स्ट्रा आर मिसिंग एमिनो एसिड्स एडेड, अगर थ्री यहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ पे डिलीट किया मिसिंग किया तो एक मिस हो गया, अगर ऐड कर दोगे तो एक एमिनो एसिड ऐड हो जाएगा, ओके दैट इज, ये पूरा का पूरा था आपका म्यूटेशन। और अब हम लोग आगे बात करेंगे किसकी, आगे बात करेंगे आरएनए वर्ड, बहुत इम्पोर्टेंट हेडिंग है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आरएनए वर्ड के बारे में बात करेंगे, ओके okay?